बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और तेलुगु फिल्मों के स्टार रामचरण जल्द ही एक साथ फिल्मी पर्दे पर दिख सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म निर्देशक मणिरत्नम दोनों कलाकारों को फिल्म में एक साथ लेने की सोच रहे हैं और इसके लिए ऐश्वर्या राय बच्चन से बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि निर्देशक मणिरत्नम के साथ ऐश्वर्या ने साल 1997 में इरवर नाम की फिल्म की थी। यह अभिनेत्री के करियर की पहली फिल्म थी। इसके बाद ऐश्वर्या ने साल 2010 में मणिरत्नम के साथ आखिरी फिल्म रावण किया था। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक फिलहाल रामचरण निर्देशक सुकुमार के साथ काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस फिल्म में वे बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आएंगे। वहीं ऐश्वर्या पिछले साल रिलीज हुई फिल्म दिल है मुश्किल में दिखी थी। इस फिल्म में उन्होंने एक शायरा का किरदार निभाया था। फिल्म में ऐश्वर्या का बोल्ड अवतार सुर्खियों में रहा था। अगर ऐश्वर्या फिर से मणिरत्नम के साथ काम करती हैं तो यह निर्देशक के साथ उनकी तीसरी फिल्म होगी। इसके साथ ही दर्शक भी रामचरण और ऐश्वर्या राय बच्चन को फिल्मी पर्दे पर पहली बार देखेंगे।